हाय फ्रेंड्स, नवे रसोई में आपका स्वागत है। आप सभी को होली की राम राम। और होली के लिए मैं आज स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, होली स्पेशल। चलो बनाना शुरू करते हैं। पटरी बनाने के लिए मैं मैदा ली हूँ और मैदा के अंदर मैं तेल डाल देती हूँ और तेल डाल के मोयन डाल दूँगी। चाशनी वाली मटरी बना के तैयार करेंगे मैदा से। और होली स्पेशल रेसिपी है, अब मैं मोयन डाल दी हूँ। मोयन को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर देख लेती हूँ मोयन परफेक्ट है नहीं है। अच्छी तरह से मोयन को मिक्स करेंगे, जितना अच्छा मोयन को मिक्स करेंगे उतनी टेस्टी आपकी मटरी बनके तैयार होगी। एकदम सॉफ्ट और एकदम टेस्टी वाली मटरी बनके तैयार होएगी। तो एक मैं लड्डू बना के देख ली हूँ, एकदम परफेक्ट है मोयन। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के और आटे को गूंद लेती हूँ। आटे को गूंद के तैयार कर लूँगी हल्का हल्का पानी डाल डाल के। आपको नरम आटा नहीं गूंदना है, एकदम टाइट व सॉफ्ट आटा गूंदना है, बिल्कुल ही नरम नहीं गूंदना। अच्छी तरह से आटे को गूंद के और फिर तैयार कर लूँगी। तो लीजिए, मैं आटे को गूंद के तैयार कर ली हूँ। अभी इसे रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। इतनी देर में तेल गर्म हो जाएगा, तेल चढ़ा देती हूँ मैं गैस पे। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के अब मैं तेल डाल दी हूँ और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देती हूँ। 10-15 मिनट ऑयल गर्म होगा, उतनी देर आटा भी रेस्ट कर लेगा। तो ऑयल गर्म हो रहा है, उतनी देर में मैं देख लेती हूँ। तो इसको 10-15 मिनट हो गए रेस्ट करते हुए मटर के आटे को। मीठी वाली मटरी बनाएंगे चाशनी वाली, इसके लिए मैं लोई बना लेती हूँ। छोटी छोटी लोई तोड़ के और फिर मैं मटरी के लिए लोई बना लूंगी। लोई तोड़ के और अब मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और प्लेट के अंदर लोई बना बना के रख देती हूँ। देखिए, ऐसे लोई बनानी है आपको, ज़रूरी नहीं बिल्कुल फिक्स गोल ही बने, बाकी डेढ़ी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। एकदम टेस्टी हलवाई जैसी चाशनी वाली मटरी बना के तैयार करेंगे होली स्पेशल व शीतला सप्तमी स्पेशल रेसिपी है, हर त्यौहार पे आप बना सकते हो। तो मैं लोई बना के तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसके अंदर लोई के ऊपर हल्का हल्का ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं बेल लेती हूँ, पूड़ी की जैसे बेलना है, पूड़ी की जैसे बेल के और फिर तैयार कर लूँगी मैं। तो देखिए, आपको ज़्यादा मोटी साइज में नहीं बेलना, बिल्कुल पतली साइज में ही बेलना है। तो अब मैं बेल बेल के और एक तरफ कर लेती हूँ सभी मटरियों को। एकदम टेस्टी हलवाई जैसी मटरी बना के तैयार करेंगे, हर त्यौहार पे आप बनाना पसंद करोगे, एक बार बना लोगे तो। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। देखिए कितनी जल्दी झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। इतनी सारी बना के मैं तैयार कर ली, थोड़ी सी मैदा थी इसी में। झटपट बना के आप तैयार कर सकते हो घर पे ही, घर के सामान से। आप मार्केट में लेने जाओगे तो पहली बात तो महंगी मिलेंगे, और महंगी मिलेंगी तो भी ये बिल्कुल अच्छी नहीं मिलेंगी, ताज़ा नहीं मिलेंगी, क्या पता कब की बनी हुई मिलेंगी। तो आप घर पे ही बनाइए, घर के ताज़ा तेल से और ताज़ा सब चीज़ ताज़ा ताज़ा बनाइए। अब मैं एक चम्मच ले लेती हूँ कांटा चम्मच, और कांटा चम्मच से इसके छेद निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसके छेद नहीं निकालेंगे तो ये फूल जाएगी, फिर फूल जाएगी तो फिर पूड़ी बन जाएगी, मटरी तो नहीं बनेगी। दोनों तरफ छेद निकालना है, नहीं तो आप एक तरफ छेद निकालोगे तो एक तरफ से फूल जाएगी। ऐसे करके मैं सभी के छेद निकाल के और प्लेट के अंदर डाल लेती हूँ। प्लेट के अंदर डाल के और फिर मैं इसे तेल के अंदर तल लेती हूँ।
तो मेरा तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर मठरी डाल दूंगी। तेल गर्म हो गया अच्छी तरह से, अब मैं इसके अंदर मठरी डाल देती हूँ और मठरी को अच्छी तरह से तल के तैयार कर लूँगी। इजी व आसान तरीके से मठरी बना लीजिए, एकदम ताज़ा एकदम फ्रेश मठरी बन के तैयार होएगी। इसके अंदर जितनी माएंगी उतनी मैं डाल दी हूँ और दूसरी बार मैं तालूंगी। देखिए हल्का हल्का कलर आने लग गया मठरी के ऊपर। आप इसके छेद नहीं निकालते तो ये फूल जाती, ब्राउन कलर होने तक इसे पकाएंगे। हल्का हल्का कलर आ गया इसके ऊपर। अब अच्छी तरह से इसे पका के, ज़्यादा नहीं पकाएंगे फिर ज़्यादा पक जाएंगी तो फिर अच्छी नहीं लगेंगी। तो अब मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर, ये बाद में भी इसका अच्छा कलर आएगा निकालने के बाद में। अब प्लेट के अंदर डाल लेती हूँ सभी को बना बना के। अब अगली वाली बना के तैयार कर लूँगी मैं। झटपट बनाइए और खाइए त्यौहार स्पेशल मठरी। होली पे बनाइए, होली पे मेहमान आने पे बनाइए और शीतला सप्तमी पे बनाइए मीठी वाली मठरी। तो ये भी बनके तैयार होगी, इसे भी निकाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर। अब मैं चाशनी बना के तैयार कर लूँगी। एक पैन ले ली हूँ, पैन के अंदर चीनी डाल देती हूँ एक कटोरी और इसके अंदर आधी कटोरी, इसके अंदर हल्का सा पानी डाल दूंगी आधी कटोरी से कम। अब गैस को ऑन करके और मैं बना लेती हूँ चाशनी। पानी ज़्यादा नहीं डालना, एक कटोरी चीनी डाली हूँ तो आधी से थोड़ी कम पानी डालना है। अब इसे अच्छी तरह से पका के और चाशनी बना के तैयार कर लूँगी। एकदम परफेक्ट चाशनी बनाएंगे मीठी वाली मठरी बनाने के लिए। देखिए चाशनी बन रही है, झाग देने लग गई चाशनी। हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं तो हलवाई स्टाइल में चाशनी बनाएंगे एक तार की चाशनी। अब मैं चेक करके देखती हूँ तो देखिए तार बनने लग गया, देखिए तार बनने लग गया। अब चाशनी बन गई है, मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। देखिए बिल्कुल परफेक्ट तार बन रहा है। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसके अंदर जो मैं मठरी बनाई थी वो डाल दूंगी गर्मा गर्म के अंदर। गर्मा गर्म के अंदर डालेंगे तो अच्छी तरह से चाशनी अंदर तक जाएगी और अच्छी सी कोटिंग आएगी इसके ऊपर। और इसको एक चम्मच की सहायता से इधर उधर घुमा दूंगी। आप ठंडी चाशनी में डालते तो अच्छी कोटिंग नहीं आती और अच्छी मठरी बन के तैयार नहीं होती। अब मैं एक प्लेट के अंदर डाल लेती हूँ जिनके चाशनी लग गई उनको, और बाकी बच्चियों को डाल दूंगी फिर मैं सभी को निकाल के। लीजिए मैं सभी को निकाल ली और बाकी बची हुई मठरी को भी मैं डाल देती हूँ। थोड़ी सी मैदा में काफ़ी सारी मठरी बन के तैयार हो गई तो इसे भी डाल देती हूँ और इसके भी चारों तरफ चाशनी कोटिंग कर लेती हूँ। अच्छी तरह से चाशनी लगा देती हूँ चारों तरफ। तो लीजिए सभी के चाशनी लग गई। अब मैं इसी बाउल के अंदर डाल दूंगी। तो लीजिए एकदम टेस्टी हलवाई जैसी मठरी बन के तैयार हो गई। चाशनी देखिए अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग हो रही है। तो आप हलवाई के पास ही ये लेने जाती तो कितनी महंगी मिलती और घर पे ही बन के तैयार हो गई। अब मैं एक प्लेट के अंदर डाल लेती हूँ सभी को बाउल में से निकाल के। तो देखिए होली स्पेशल रेसिपी बनके तैयार हो गई। इसे खाइए और इन्जॉय कीजिए होली। देखिए एक कटोरी मैदा में कितनी सारी मठरी बनके तैयार हो गई। देखिए इसके चारों तरफ एकदम अच्छी वाली कोटिंग आई है चाशनी की। नवे रसोई के अंदर आपको मीठी मठरी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में। धन्यवाद।